आपको बताने जा रहे हैं गूगल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। जी हां, अब तक आप गूगल सर्च को फ्री में यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब कंपनी इसे लेकर कुछ दूसरे प्लान्स बना रही है, यानी कंपनी इसे पेड सर्विस के तौर पर शुरू करने का विचार कर रही है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक रूप से अब तक इस अपडेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। कयास है कि इस अपडेट के बाद गूगल सर्च के कुछ फीचर्स के लिए पैसे देने होंगे। गूगल बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। अब तक कंपनी ने सर्च सर्विस को फ्री रखा है, जहां से उसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है। हालांकि अब कंपनी इस पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। कंपनी प्रीमियम फीचर्स पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। ये प्रीमियम फीचर्स कुछ और नहीं बल्कि जनरेटिव एआई से आने वाले रिजल्ट्स होंगे। कुछ वक्त पहले ही कंपनी ने गूगल सर्च के साथ जनरेटिव एआई का स्नैपशॉट फीचर एक्सपेरिमेंटल लॉन्च किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स को सर्च किए टॉपिक के बारे में एआई सर्च रिजल्ट से ऊपर दिखाता है। एआई सर्च किए गए टॉपिक की एक समरी यूजर्स को दिखाता है। हालांकि अब कंपनी इसमें बदलाव चाहती है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। अगर गूगल ऐसा कुछ करता है तो ये पहला मौका होगा जब कंपनी अपने सर्च इंजन पर पेमेंट या चार्ज लगाएगी। गूगल सर्च से कंपनी की बड़ी कमाई होती है, लेकिन चैट जीपीटी के आने से कंपनी को अपने बिजनेस पर एक डर नजर आया। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और अब कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में एक बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। ये दिखाता है कि कंपनी एआई को लेकर किस दिशा में सोच रही है। गूगल उन विकल्पों को तलाश रहा है जिससे एआई फीचर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ा जा सके। कंपनी जेमिनी एआई असिस्टेंट का फीचर पहले से ही जीमेल और डॉक्स के साथ दे रही है। ये जानकारी मामले से जुड़े 3 लोगों के हवाले से दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी एग्जीक्यूटिव्स अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं।